सो फ्रॉम टास्क 28 इन सीएसएस, आज ये बेसिक जो टॉपिक्स थे। इससे पहले के जो थे लेआउट्स वगैरह, वो लेक्चर 11 लेक्चर तक मैंने अपलोड कर दिए। कुछ ये लेक्चर्स हैं वो मैंने अपलोड अभी कर दिए हैं, ठीक है। तो एक इस टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, मेन्यू सर, क्योंकि ये मुझे दो चार और बच्चों ने भी कहा था कि सर हमें बात समझ में नहीं आ रही, सो लेट मी डिस्कस दैट एज़ वेल, ओके। उसके बाद जो होगा, व्हाट वी कैन डू इज कि मुझे जावास्क्रिप्ट सेशन स्टार्ट करना है, मैं उसके एंड में बात करूंगा कि जावास्क्रिप्ट के भी क्या होंगे। बट जावास्क्रिप्ट का भी सेम होगा कि मैंने उसके भी 10-12 टॉपिक्स निकाले हुए, होपफुली फ्राइडे तक मैं उसके रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है, ताकि फिर आप सैटरडे संडे और ये 2 दिन में जावास्क्रिप्ट के जो क्लासेस है वो अटेंड करते हैं ऑफलाइन बैठकर रिकॉर्डेड लेक्चर्स में, एंड देन मंडे को आके फिर हम एक्चुअली जावास्क्रिप्ट के जो चीजें हैं वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो लेट मी कंप्लीट दिस, ये छोटा सा एक टॉपिक का 15-20 मिनट का सिर्फ मैं डिस्कस करने, देन आई विल बी गोइंग इनटू क्वेश्चन आंसर सेशन। सो वंस यू आर हियर, बेसिकली इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सिंपल मेन्यू सिस्टम, चाहे वो आप वर्टिकल बना रहे हैं चाहे हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं, हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा कि एक सिंपल वेबसाइट बना लेते हैं, लेट्स गो इनटू कोडिंग, ठीक है। हियर एज वी ऑल नो वी स्टार्ट विद HTML and backslash html, sorry, okay, control s, let me save it very quickly, and I think hum isko save bhi wahi pe karte hain jahan pe maine baaki folders rakhe hue the. If I go back here, web engineering css, aur isko if I come here, I think isko bana lete hain ek new folder ke andar hum bana lete hain css web. एंड यहाँ पे हम इसको HTML दे देते हैं, vertical menu dot HTML, ओके, हमारे पास HTML फाइल यहाँ बनकर आ गई, ओके। विद इन दिस HTML, एज यू नो, हमें पहले तो चाहिए होता है हेड टैग, ओके, और दूसरा हमें चाहिए होगा बॉडी टैग, ओके। एवरी HTML नीड्स टू हैव दिस। इसको हम टाइटल दे सकते हैं, ओके, टाइटल दे दिया, और This is simple vertical navigation. Okay. VERTICAL, vertical navigation. Okay. उसके बाद बॉडी में आ जाते हैं। अब बॉडी के अंदर सबसे पहले चीज मैं क्या ऐड कर दूंगा कि मैंने एक बना दी div. Okay. Div इसीलिए because div behaves like a block and automatically starts on a new line and creates a very simple controllable block for us within a page. So hum rather than writing h1 directly, pehle division block de di, kyunki div ko badi aaram se control kar sakte hain, aur iska hum de dete hain navigation mein heading, for example vertical navigation example, ye hamare paas ek div aa gaya. Uske baad what we can do is we create another div, ये हमारे पास सेकंड डिव आ जाएगा, इसमें जाके हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का एक मेन्यू बना देंगे, और इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अगेन ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट हमने दोनों चीजें की हुई थी। ऑर्डर्ड लिस्ट बेसिकली मींस के ओआर हम लिखते हैं जिसमें हमारे पास जो मेन्यूज बनेंगे वो ऑर्डर्ड लिस्ट की सूरत में बनकर आ जाते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट बेसिकली मींस के आपके पास जो मेन्यू आएंगे वो अनऑर्डर्ड बुलेट पॉइंट्स में नजर आएंगे। वंस वी क्रिएट दिस थिंग, देन व्हाट वी कैन से इज के ओके, वंस वी क्रिएट दिस थिंग, तो फिर हम क्या करते हैं कि इसमें आके लिस्ट आइटम्स बना देते हैं, ओके। अब प्रीवियस टॉपिक के अंदर वी क्रिएटेड मेन्यूज यूजिंग डायरेक्ट एंकर पॉइंट्स, हम डायरेक्ट एंकर पॉइंट बना के फिर उसको यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पे क्योंकि मैं एक सब मेन्यू सिस्टम बनाना चाह रहे हैं वर्टिकल और हॉरिजेंटल, तो एक और वे है दैट वी क्रिएट अनऑर्डर्ड लिस्ट, लिस्ट बना के फिर उस लिस्ट के अंदर एक्चुअली हम एंकर टाइप कर देते हैं, ओके। इसके अंदर अब हम जो है एच रेफरेंस इज इक्वल टू ब्राइट ब्लॉक स्टार्ट ब्लॉक क्लोज, और फिर बंद कर दिया, ओके, और फिर बैक स्लैश ए दे दिया, अच्छा सॉरी ऑटोमेटिकली, ओके। तो अब हमने क्या किया कि रादर देन गिविंग ए टैग डायरेक्टली एज ए लिंक आइटम, हमने पहले क्रिएट की अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसमें लिस्ट आइटम दिया और फिर उसको कंट्रोल किया। व्हाट दिस विल अलाउ अस टू डू, इट विल अलाउ अस टू मेंटेन द लिस्ट आइटम्स, एंड विद दैट लिस्ट आइटम हम उसको एक सीक्वेंशियली ऑर्डर अनऑर्डर करके फिर उसमें मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं। Somehow it becomes reasonably easy to control, ठीक है, क्योंकि लिस्ट अगर आप डायरेक्टली लिखोगे तो वो एक सीक्वेंशियल में आ जाता है, फिर उसके सब आइटम्स सब मेन्यूज अगर हम बनाने हैं तो फिर वो अगर हम एंकर सॉरी डायरेक्टली दे रहे हैं तो उसमें सब मेन्यूज बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब आप लिंक बनाते हो तो लिंक के अंदर फिर हमारे पास क्या होता है कि सब लिंक्स बनाना आसान, ठीक, अगर थोड़ी बात समझ में आई है। तो अगर मैं डायरेक्टली ए टैग यूज कर रहा हूँ तो इस ए के सब मेन्यू सिस्टम अगर बनाना तो जरा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमने क्योंकि लिस्ट आइटम बना के फिर यूज किया है
उसके फिर सब मेन्यूज बनाना जरा आसान हो जाता है, सब लिंक्स बनाना आसान हो जाता है, सिंपल अगर बात थोड़ी सी मेरी समझ में आई हो। ठीक, बहरहाल यहाँ पे मैं फिलहाल क्योंकि अभी हमारे पास मेन्यू नहीं है, मैं इसको आई विल जस्ट गिव हैश एंड हियर आई विल से फॉर एग्जांपल होम, या इसको हम लिंक वन कर देते हैं ताकि फिर बाद में हम नेमिंग करते चलेंगे। ओके, तो ये हमारे पास लिंक वन आ गया, इसको मैंने उठाया कंट्रोल सी, एंड पे गया कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ये चार पांच हमने लिंक्स बना दिए। लेट मी जस्ट क्विकली रीनेम देम 3, 4, 5। ठीक, तो हमारे पास एक सिंपल से लिंक आइटम्स आ गए और यहाँ पे हेडिंग्स आ गई एज सिंपल एज दैट। एंड इफ आई क्लिक ऑन लाइव व्यू तो आई शुड गेट ए लाइव व्यू राइट नाउ। ओके, कुलजा सिंह सिंह आ गया, नहीं आया, किधर गया भाई? ठीक है, ये पेज आ गया। लेट मी इसको मैं राइट पे ले गया और इसी को फिर हम लेफ्ट पे रख लेते हैं और फिलहाल इसको हम थोड़ा सा हाइड कर देते हैं। ओके, तो जो हमने बेसिक वेबसाइट बनाई उसी का हमारे पास बेसिक यहाँ पे आउटपुट नजर आ रहा है एंड देयर इज अगेन नथिंग स्पेसिफिक, लिंक्स नजर आ रहे हैं। नाउ वी विल यूज सीएसएस टू कन्वर्ट दिस इनटू व्हाट वी कॉल आवर मेन्यू सिस्टम। ठीक है, तो सीएसएस के लिए वी कैन यूज एक्सटर्नल सीएसएस और वी कैन यूज इंटरनल सीएसएस, इट डिपेंड्स अप टू यू। In previous examples, मैंने external CSS को ज़्यादा prefer किया है। Let me use internal CSS here. ठीक है, in order to use internal CSS, again दोनों का फर्क वही है, या basic structure वही है कि you can use script tag in internal CSS. अगर आप external कर रहे हैं तो फिर script tag की ज़रूरत नहीं, बाकी tag आपके पास वही as it is आ जाए। ठीक है, अगर आप CSS internal use कर रहे हैं, script भी आ सकता है, या इसकी जगह पे एक और tag हम sometimes use करते हैं, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वी क्रिएट द स्टाइल फॉर आवर डिव्स। ठीक है, लेकिन डिव्स के स्टाइल से पहले अब हम आपके पास यहाँ पर आ जाओ। इधर डिव के पास आके जो मेरा डिव मेन है, व्हाट आई विल डू, आई विल गिव इट अ क्लास ब्रैकेट और इक्वल टू ब्रैकेट और फॉर एग्जांपल इसको हम HEADER हेडर क्लास देते हैं। इससे क्या होगा कि अब मेरे ये डिव पहचाना जाएगा कि ये हेडर का डिव है, ये वाला डिव जो है मेन्यू का। सो आई व्हेन आई कम इनटू माय क्लास तो मैं यहाँ पे नाम दे दूंगा div.HEADER हेडर। ठीक, अब जो स्टाइल्स अप्लाई होंगे वो उसी के पास अप्लाई होंगे जिसके पास ये क्लास है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम दे देते हैं मार्जिन, बल्कि मार्जिन नहीं पैडिंग कर देते। ठीक है, पैडिंग फॉर एग्जाम्पल 20 पिक्सल्स सेमी कॉलन, then text alignment is equal to center semicolon, अगर आप चाहो तो color भी change कर दोगे, color is equal to for example echo कर देते हैं semicolon, as soon as I press control s I should get an output this value। okay, अब padding basically is meaning कि आपके variable, if I come back here, आपके variable के जो sorry component है उसके इर्द गिर्द की padding को define करता है। अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा हो गई, कम कर दी तो थोड़ा सा हमारे पास कम, so that it doesn't stick to your borders। अगर आप padding को बिल्कुल zero कर दोगे तो what will happen कि बिल्कुल border से चिपका हुआ नजर आ रहा होगा। sometimes ये चीज अच्छी नहीं भी होती, sometimes अच्छी भी होती है, depending on आप कैसे बना रहे हो। तो मैंने padding 10 कर दी, 10 का मतलब ये होगा कि वो 10 हर तरफ से हमारे पास center में आ गया। ठीक है, तो वो हमने इसको थोड़ा सा adjust कर लेते हैं। okay, तो ये मेरे पास मेरा top का header bar आ गया। obviously आप इसको background color भी दे सकते हैं, हम background color can be for example light light gray and semicolon control s to light gray aa gaya। ab I think ye color mujhe acha nahi lag raha, let me rename it to for example bls black, okay control s black aa gaya। okay, to ye hamare paas heading se, to see web page simple banaya, ab using css we are trying to control it। after this we go into our next thing which is our link system। अब अगेन क्लास की टाइमिंग जो है हमारे पास वो थोड़ी सी रह गई है, 5 मिनट्स। 5 मिनट्स के बाद इफ इट डिस्कनेक्ट्स काइंडली रीकनेक्ट ऑन द लाइव सेशन यूजिंग द सेम आईडी एंड पासवर्ड। ओके, सो लेट मी कंटिन्यू नाउ। सो नाउ आई गो इनटू माय डिव डॉट, अच्छा डिव डॉट पर क्या जाएंगे, डिव डॉट यहाँ पे आ जाएंगे। डिव पहले इसका क्लास दे दी, क्लास इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल इसको एनएवी कर दिया नेविगेशन। ओके, दिस मीन्स कि मैं नेविगेशन में जा रहा हूँ। अब डिव डॉट जब हम यहाँ पे एनएवी देंगे, bracket start bracket close, this will basically mean that now my navigation is wala div ki baat kar raha hu। div dot header mein gaye to hum ke upar jo ye wala div tha iske upar baat kar rahe hain। jab div dot isme aa denge to we already have a menu system available,
यहाँ पे सबसे पहले हम कर देंगे मार्जिन इज इक्वल टू आई थिंक जीरो कर देते हैं, ताकि आपका जो कंट्रोल एस जो बार स्टार्ट होगा वो बिल्कुल जीरो से हमारे पास स्टार्ट हो जाए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हम कहानी कर सकते हैं पैडिंग इज इक्वल टू आई थिंक 10 पिक्सल कर देते हैं, बल्कि पैडिंग डैश लेफ्ट कर देते हैं, ठीक है 10 पिक्सल, ताकि लेफ्ट से सिर्फ 10 पिक्सल से हमारे पास क्या आ जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, नाउ व्हाट आई नीड इज डॉट एनएवी स्पेस यूएल ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। अब हमने क्या किया, अब हमने एक और चीज कर दी कि डॉट नेविगेशन यूएल किया, यूएल मींस अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो ये वाली लिस्ट पर इसको मैंने एड्रेस किया डॉट नेविगेशन करके, मींस डॉट नेविगेशन क्लास के अंदर जो यूएल का कंपोनेंट है उसकी सेटिंग्स, ठीक। इससे क्या होगा कि हम स्पेसिफाई कर देंगे कि और सारी जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उनको नहीं, सिर्फ इसी मखसूस को आपने जो है वो कन्वर्ट करना है, स्टाइल्स अप्लाई करना है। यहाँ पे आने के बाद हम क्या कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली जो चीज मेरे पास आ जाएगी कि लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप, ठीक, इसको हम कर देंगे आई गेस नन कर देते हैं, ठीक है। नन करने का मकसद ये होगा कि ये जो लिस्ट होगी हमारे पास वो ब्लैंक हो जाए, इफ आई हिट एस सीधे सारे फुल स्टॉप्स गायब हो गए। अगेन इसको मैंने किया कंट्रोल एक्स, मैंने दोबारा सेव किया, जब सेव किया तो इस तरह लिस्ट नजर आ रही है, लिस्ट आ रही है, तो लिस्ट अनऑर्डर्ड बनाई हुई थी हमने, अनऑर्डर्ड का मतलब ये होगा कि इसमें डॉट्स नजर आए, ऑर्डर्ड होगी ओएल की होगी तो 1 2 3 नजर आएगा, अनऑर्डर्ड में डॉट्स गायब करने, डॉट्स गायब करने के लिए हमारे पास एक लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप है, इसको हम नन कर देंगे। नन से मकसद ये कि गायब हो जाए, ये आपके ऐसी टास्क के शुरू के असाइनमेंट के अंदर मौजूद है, हमने पहले भी ये किया हुआ, ठीक। कंट्रोल एस किया डॉट्स गायब हो गए। उसके बाद जो हमारे पास है मार्जिन, मार्जिन इसका भी मैं जीरो कर दूंगा ताकि ये आपके बिल्कुल एंड से स्टार्ट हो। पैडिंग मींस स्पेस आफ्टर द मार्जिन, ये हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर बात की हुई थी कि आपके स्पेस मार्जिन जहाँ पे खत्म हो रहा है, जैसे अगर ये लाइन है तो ये मार्जिन है, इस मार्जिन से यहाँ तक ये स्पेस पैडिंग कहलाता है, ठीक है। तो वो जो शुरू का स्पेस है वो कितना, इसको भी हम जीरो कर देंगे फिलहाल, आई विल सी कि आगे लिंक्स में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद विड्थ पर आ जाते हैं, ठीक। विड्थ इसीलिए कि आपके जो ईच लिंक है उसकी विड्थ हम कितनी रखना चाह रहे हैं, इन आवर केस सॉरी जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उस पूरे लिस्ट की विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो इसको मैं 200 या डिपेंडिंग ऑन हाउ वी गो 300 इस तरह से सेट कर देंगे। वी विल प्ले विद दिस वंस वी क्रिएट द मेन्यू विद दैट, ठीक है, क्योंकि इनिशियली पता नहीं चलती। अब इस टाइम 300 पिक्सल्स आई थिंक इसको सेट कर देते हैं, दिस शुड बी बेटर, ओके। इसका मतलब इस लिंक की जो साइज होगी वो 300 पिक्सल्स तक हमने सेट कर दी। एज अ सेट ये वंस थोड़ा सा शेप अख्तियार करेगा तो हम इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं, वी विल सी कि हमें कम क्या चीज आती है। फिर फाइनली एक चीज और दे देते हैं BSC के बैकग्राउंड कलर, ओके। और बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, लेट मी गिव ए वेरी नाइस आई थिंक कोई सिंपल सा लाइट ग्रे या ये वाला दे देते हैं, राइट सेमी कॉलन कंट्रोल एस, हमारे पास एक ब्लू कलर के बैकग्राउंड, ठीक। तो ये चीज यहाँ पे हो गई हमारे पास कंप्लीट। अब ये हुआ हमने लिस्ट को थोड़ा सा सेट किया, उसके बाद लाइक इन माई प्रीवियस वीडियो नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू गो इन टू लिस्ट आइटम and space A colon, and in fact अगर हुआ तो इसको भी हम इस तरह से कर सकते हैं navigation list item, dot navigation class के अंदर जाओ, dot navigation class में जाओ, उसमें जो तुम्हें list item मिलेगा उसमें list item में जाओ, उस list item के अंदर तुम्हें anchor tag मिलेगा, उस list item के अंदर तुम्हें anchor tag मिलेगा, अब इस anchor भाई को सीधा करो, ठीक। so this is basically what we refer to, the navigation के अंदर जाओ, once you are inside the navigation now go into the list item, once you are inside the navigation go into the list item, jab list item ke andar jao usme aapko ek anchor tag milega, is anchor tag ki hamare paas properties set karni hai, properties like for example display chalo display set karte hain, sabse pehle display block means that is link ke upar is waqt jo hai wo aap jab tak link pe click karoge to cursor hai, link se main thoda bahar gaya to cursor ekdam change ho gaya agar aapki cursor pe nazar hai, ठीक। so as soon as I move the cursor link change हो गया, but block करने का मकसद ये होगा कि अब now it will consider a complete area, तो जितना area आप link का specify करोगे वो पूरा आपका hyperlink हो जाएगा, मैं कहीं पे click करूँगा देखते हो, ठीक। इसको मैंने save करा दिया, now if I come here तो सीधे जब मैं से बाहर भी जा रहा हूँ तो cursor उसका वैसे link के तौर पे काम कर, now my session would be ending, next session जो है जैसे अगर आपका disconnect हो जाएगा तो हम connect को reconnect कर लेंगे इसको, ठीक है। so ब्लॉक चीज, उसके बाद नेक्स्ट हम क्या था हमारे पास, इसको क्या कर सकते हैं हम आई थिंक पैडिंग दे देते हैं,
कोडिंग जो थी यूजुअली थोड़ी सी कम देते हैं, लिंक्स के अंदर लास्ट टाइम मैंने 10 पिक्सल और आई थिंक 10 पिक्सल रखी थी, सेमी कॉलन, ओके सेव व्हेन यू स्पेसिफाइड 10, ठीक है, सो होपफुली स्क्रीन इज राइट. सो हमने डिस्प्ले एज अ ब्लॉक किया था, अगेन ब्लॉक का मतलब ये कि जब लिंक आपका काम करेगा तो वो लिंक के पूरे ब्लॉक के ऊपर बेसिकली उसका जो कोड होगा वो हमें नजर आएगा rather than just at a certain spot. वैसे अगर आप ब्लॉक नहीं करोगे तो सिर्फ लिंक के ऊपर ही आपका कर्सर काम करेगा, लिंक के तौर पे जैसे कर्सर उससे हटा दो खत्म हो गया, बट नाउ बेसिकली इट बिहेव्स लाइक अ ब्लॉक, तो वो पूरे ब्लॉक के ऊपर आपको देखो कर्सर जैसे लिंक के तौर पे काम कर, जैसे मैं इससे ब्लॉक से बाहर गया तो कर्सर नॉर्मल हो गया. तो इस तरह से हम फिर लिंक्स को बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग ब्लॉक. पैडिंग बेसिकली मीन्स कि अगर हम पैडिंग को फॉर एग्जाम्पल 0-0 अगेन कर देते हैं तो वो स्पेस फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द मार्जिन, तो जैसे 0 किया सेव किया तो सीधे से स्पेस बिल्कुल खत्म हो गया, तो यहाँ से आपकी मार्जिन स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट होने के बाद वो बिल्कुल जीरो पे आ जाएगा. तो ये चीज हमें नहीं चाहिए, ओके हमें चाहिए कि थोड़ा सा लिंक्स है, थोड़ा सा अच्छी तरह नजर आए. तो मैंने फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल कर दिया सेव, 10 पिक्सल मीन 10 पिक्सल फ्रॉम टॉप एंड बॉटम एंड 10 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, तो हर तरफ से 10-10 पिक्सल का हमारे पास ब्लॉक बन जाएगा. वंस वी हैव ये एंकर टैग के अंदर, वंस हमने ये कर दिया उसके बाद नेक्स्ट स्टेप फॉर एग्जाम्पल कलर है तो हम इसका कलर चेंज कर देते हैं. This can be whatever color you want. So, for example, मैंने black कर देता हूँ. Control S तो links हमारे black color में हो जाएंगे. If you want white color भी कर देते हैं. Depending on which color you are using in your theme. Control S, I think sorry, नहीं होगा. उसके बाद text decoration. Again, ये चीज़ भी हम दास्तान ने की थी. Link by default underline के सूरत में नजर आते हैं. Whenever we use a tag, तो by default underline आता है. तो हमें उसकी text decoration में जाके जो है, उसको none करना पड़ेगा. Okay, semicolon. Control S. तो लिंक्स खत्म हो गए, तो हमारे पास ये मेन्यू सिस्टम बनके ऑलरेडी, ओके एज सिंपल एज दैट. उसके बाद अब हम चाह रहे हैं कि जैसे कर्सर मेरे उसके ऊपर आए तो इसका कर्सर का जो बिहेवियर है वो लिंक का चेंज हो जाए ताकि वो एक बटन की सूरत में समझो एक एनिमेशन की सूरत में. व्हाट वी डू इज वी अगेन गो इनटू नेव, नेविगेशन के अंदर जाओ, लिस्ट आइटम के अंदर जाओ, ए टैग के ऊपर जो है. अब जैसे हमने ए के ऊपर कॉलम किया तो देयर आर वेरियस डिफरेंट थिंग्स जो हम इसके ऊपर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल होवर है, एक्टिव है, क्लिक है वगैरह वगैरह, ठीक है. तब ये जब यूजर उसके ऊपर क्लिक करे तो उसके बाद उसका बिहेवियर चेंज हो जाए. एक्टिव मींस कि एक दफा यूजर ने उसको क्लिक कर दिया है उसके बाद का जो बिहेवियर है वो कैसा. फिलहाल हमें होवर चाहिए. होवर मींस व्हेनेवर द यूजर मूव्स द कर्सर ओवर दैट लिंक, तो ये होवर बिहेवियर कहलाता है. जब इसके ऊपर होवर बिहेवियर आ जाए तो क्या हो, यूजली हम दो चीजें करते हैं. जैसे यूजर उसके ऊपर होवर करे तो फॉर एग्जाम्पल एक उसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देते हैं. वी कम हियर एंड वी चेंज द बैकग्राउंड कलर. फॉर एग्जाम्पल ब्लू है तो मैं उसको कर देता हूँ LIGHT लाइट ब्लू, लाइट सायन, सेमीकॉलन, ठीक, बिल्कुल हल्का सा उसका कलर हो जाए. और जब कलर हल्का हो जाएगा तो टेक्स्ट का जो कलर है वो भी सेम हो जाता है. फॉर एग्जांपल टेक्स्ट कलर को हम ब्लैक कर देते हैं या कोई भी आपका जो डार्क कलर होगा ताकि वो पढ़ने में आ जाए. डिपेंडिंग ऑन द कंट्रास्ट दैट यू यूजिंग. एज सून एज यू प्रेस सेव, नाउ आई कम हियर सी दिस, माय लिंक हमारे पास काम करने शुरू हो गया. सो क्रिएटिंग अ मेन्यू, सब मेन्यू लिंक्स आर वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, डिपेंड्स ऑन हाउ यू बेसिकली आर बेसिक वर्किंग. ठीक है, अब इसके जो हमने विड्थ दी थी, आई थिंक जो नेविगेशन का नेव वाला टैग उसकी हमने विड्थ 300 पिक्सल्स कर दी थी, तो 300 पिक्सल्स आ गए. अगर आपको उसको छोटी करनी है फॉर एग्जांपल 100, तो ये 100 पिक्सल्स का मेरे पास मेन्यू आ जाएगा. मैं 200 कर दूंगा, ये 200, डिपेंडिंग ऑन हाउ बेसिकली यू आर स्टार्टिंग टू वर्क विद. ठीक है, डिव नेविगेशन को हमने 10 पिक्सल्स पैडिंग दी हुई थी, तो 10 पिक्सल्स छोड़कर आ रहा है. मुझे लग रहा है कि इसको भी मुझे जीरो करना पड़ेगा ताकि ये बिल्कुल इसके साथ अब जरा बेहतर आ गया. अब अगेन डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह से इसको स्टार्ट कर रहे हो, तो 0-0 कर देते हैं, बिल्कुल 0-0 से स्टार्ट हो रहा है. नाउ आई कैन हैव अ कंटेंट इन फ्रंट ऑफ हियर, आई कैन हैव अ कंटेंट एट द बॉटम. ये हमारे पास एक नेविगेशन का जो था लिंक का सेटअप आई. इसी तरह से फिर बेसिकली वी कैन हैव अ डिफरेंट बिहेवियर विथ रिस्पेक्ट टू अवर मेन्यू सिस्टम. देन यू कैन क्रिएट, आप इसको बॉर्डर्स भी दे सकते हैं, आप इसको आउटलाइंस भी दे सकते हैं. ये प्रीवियस टॉपिक्स हमने किए हुए कवर कराए हुए थे. यू कैन गिव व्हाटएवर यू लाइक टू दिस पर्टिकुलर. इसकी तरह से फिर बेसिकली हमारे पास हॉरिजॉन्टल मेन्यूज आया था. हॉरिजॉन्टल इज समथिंग जो मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर भी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. इसको अगर मैं सिंपली एक चीज ये करके देखूँ, यहीं पे नेविगेशन, लिस्ट आइटम्स, आई थिंक नेविगेशन में चला जाऊँ, FLOAT फ्लोर, अगर मैं लेफ्ट कर दूँ, कंट्रोल एस, इनको बिहेवियर नहीं हुआ. UL में आके अगर हम उसकी या लिस्ट आइटम में आ जाए, ठीक है, अगर हम लिस्ट आइटम में आ जाए एंड इफ आई मेक इट FLOAT फ्लोर इज इक्वल टू लेफ्ट सेमीकॉलन कंट्रोल एस, ये काफी याद होगा.
गेस यहाँ पे नहीं जाएगा। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट इस पे आ जाएगा। बेसिकली हमें फ्लोट लेफ्ट करना होगा, सॉरी फ्लोट फ्लोट लेफ्ट। फ्लोट का बेसिकली मतलब ये कि आपका मेन्यू सिस्टम किस तरह से नजर। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम इसको किया था फ्लोट लेफ्ट, इस तरह से चीज इसमें अगर नहीं आई तो ये भी डॉट एन ए वी लिस्ट आइटम को मैं कंट्रोल कर, सॉरी। ठीक है, क्योंकि हम अनऑर्डर लिस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं और लिस्ट आइटम के अंदर एंकर को कर रहे हैं, लिस्ट इटसेल्फ को नहीं कर रहे, तो शायद मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा फ्लोट लेफ्ट सेमीकोलन कंट्रोल एस एंड हेवी को। ठीक है, तो ये अब हमारे पास फ्लोटिंग ऑर्डर में नजर आ रहा है। अब प्रॉब्लम ये कि बिकॉज उसकी विड्थ मैंने 200 रखी हुई है तो वो नीचे की तरफ आ रहा है। सो व्हाट आई डू इज कि फॉर एग्जांपल इफ आई कन्वर्ट इट्स विड्थ टू 400 एस तो वी हैव अ लिफ्ट। तो अगर आप वर्टिकल करना चाह रहे हैं तो यू जस्ट रिमूव दिस, आई थिंक अब मैं अनऑर्डर्ड में से भी अगर इसको हटा दूं, कंट्रोल एस इसमें भी चाहिए होगा। ठीक है, कंट्रोल जेड। तो अनऑर्डर्ड यूएल जो है इसके अंदर भी फ्लोट लेफ्ट और लिस्ट आइटम दोनों को हम फ्लोट लेफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो इट विल बिकम फ्लोट। प्रीवियस जो ट्यूटोरियल्स थे इन दैट हमने डायरेक्ट लिंक्स यूज किए, अनऑर्डर्ड और लिस्ट बना के लिंक्स नहीं रखे। ठीक है, तो इसमें क्योंकि हमने ऑर्डर्ड लिस्ट बना के रखे हैं तो इसमें आपको अनऑर्डर्ड को भी लेफ्ट करना पड़ेगा, इसको भी लेफ्ट। अगर आप राइट साइड पे मेन्यू चाह रहे हैं तो यू कैन डू इट ऑन द राइट। ठीक, एंड आई थिंक दिस वुड आल्सो बी गो इनटू आरजीएसटी राइट। इफ आई प्रेस एस तो ये राइट साइड से आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि डिव आपका है तो ये डिव आपका लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है तो ये लेफ्ट पे आ जाएगा। इसको भी अगर आप राइट कर देंगे कंट्रोल एस तो अब आपके राइट पे, सिंपल एज दैट। ठीक है, इफ यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट, अगर आपने इसको राइट में कर दिया और कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल एक्स कंट्रोल एस कर दिया ये राइट साइड से आपके मेन्यू सिस्टम आ जाएगा। सो इसकी अगर विड्थ अगर हमें 100 कर दूं फॉर एग्जांपल कंट्रोल एस तो ये मेन्यू आपके राइट पर चलेगा। सो इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू वांट टू क्रिएट एंड व्हाट योर सिस्टम इज। आप लेफ्ट पे भी करा सकते हैं, राइट पे कर सकते हैं, सेंटर पे कर सकते हैं, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। सो डिपेंडिंग ऑन हाउ योर बेसिक वेबसाइट इज। ओके, इसको भी फ्लोट लेफ्ट कर दिया, लिस्ट आइटम को फ्लोट लेफ्ट कर दिया, इसको आई थिंक हमने लेफ्ट कर देंगे, सॉरी फ्लोट एलईएफटी लेफ्ट एंड फ्लोट एलईएफटी लेफ्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड के मेन्यूज आ जाएंगे। लिस्ट आइटम कंट्रोल एस क्या कर दिया हमने, आई थिंक हाँ ठीक। अगेन अब ये मुझे इस तरह नजर आ रहा है, बट मैंने लेफ्ट लेफ्ट किया है। अगेन रिमेम्बर, जब आप वर्टिकल से हॉरिजेंटल मेन्यू बनाना चाह रहे हैं तो फॉर हॉरिजेंटल यू नीड विड्थ, तो विड्थ को वापस 400 कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये एक दो दफा पहले भी हो चुका है, अगर मैं विड्थ को 100 ही रखूँ तो यहाँ पे 100 पे ये वापस आ जाएगा। सो इट्स अ ट्रिक इसको 100 करना, लेकिन एक्चुअली ये चीज सही नहीं है। फिर इसको आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आपने अगर लेफ्ट किया हुआ है दैट मीन्स कि वो लेफ्ट साइड से पूरे सीक्वेंस में जा रहा होगा अगर आपने फ्लोटिंग दी है। ठीक है, तो उसको आपने वापस जो है करना होगा इन टू फॉर एग्जाम्पल 400 या यूजुअली हम 600 पिक्सेल्स कर देते हैं ताकि पूरा मेन्यू। देन इफ यू मेन्यूज आर टू नियर टू ईच अदर तो फिर आप उसकी पैडिंग फॉर एग्जांपल थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं कि आप पैडिंग जो आपकी है फिलहाल हमने 0 की भी थी, पैडिंग लेफ्ट जो आई थिंक लिस्ट आइटम में थी वो 10 है, इसको 20 कर देंगे, 20 कंट्रोल एस तो ये ऊपर से नीचे आ जाएगा, इसको 10 रहते हुए आई थिंक इसको मैं 20 कर दूंगा और थोड़ा सा स्पेस इन लिंक्स के अंदर ज्यादा हो जाएगा, इसको आप कर दोगे फॉर एग्जाम्पल 10 and then save to see this space come over there. So we control the space of each with padding and we control the margins, ki margin yahan se kaise start ho using the margin tags. Phir floating points hain aur display hain, kuch primordial properties hain jisko aapko samajhna hai ki kis tarah se use karna. Uske baad ab next jo content hai wo hum simply add kar sakte hain is div ke baad, fir hum blocks bana ke usko use kar sakte hain. Iske liye last class mein humne 3 sessions ko jo tutorials the wo bana ke rakhe the and थ्री कॉलम और आउटपुट मैट्रिक्स मैट्रिक्स अपना ऐड करते हैं। ठीक है, तो होपफुली ये मेन्यू सिस्टम और जो इनिशियल लिंक जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हाउ बेसिकली वी क्रिएट देम, तो उसके लिए थोड़ा सा ये सेटअप दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे क्रिएट करते हैं। ओके,